हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर और आज हम पढ़ेंगे अध्याय एक, और यह है क्लास आठ का जो हम अध्याय एक पढ़ने जा रहे हैं। इसका जो पहला चैप्टर है वो क्या है, भाषा विचार, और भाषा विचार के बारे में हमें पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं अध्याय एक, भाषा विचार। अब देखिए, इसमें हमें चीज़ें पढ़नी क्या क्या हैं, भाषा पढ़नी है, बोली पढ़नी है, उसके बाद हमें इसमें लिपि पढ़ना है, और लिपि के बाद हमें व्याकरण के बारे में पढ़ना है। तो ये चार चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन, के माध्यम से लोग एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, विचारों को व्यक्त करते हैं और ज्ञान को साझा करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। संवाद करने का मतलब क्या है, एक दूसरे से बातचीत करना। तो बातचीत आप कैसे करेंगे, मौखिक भाषा के जरिए करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा का, मौखिक भाषा। क्वेश्चन नंबर टू, भाषा शब्दों के माध्यम से की जाने वाली क्रिया है। तो भाषा शब्दों के क्या है, वाक्य और वाक्यांशों के माध्यम से। जब भी आप कुछ बोलते हैं तो वाक्य में ही बोलेंगे, तो क्या है, वाक्य और वाक्यांशों के माध्यम से की जाने वाली क्रिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो भाषा मनुष्य के परिवार, मित्रों और सामाजिक संदर्भ से जुड़ी होती हैं वह क्या है। तो वह है आपकी मातृभाषा, मतलब कि जहाँ पे आप पैदा हुए, जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ पे जो तरीके की भाषा आपकी चलती है उसे हम क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। यह माना जाता है कि भाषा का सरलतम रूप है। तो भाषा का सबसे सरलतम यानी कि सबसे ईजिली काम क्या है, बोलना, यानी कि मौखिक भाषा है। तो इसका आंसर हो जाएगा का, मौखिक भाषा। सरकारी काम काज की भाषा को कहते हैं, तो सरकारी काम काज की भाषा को हम क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा घ। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर सिक्स, 14 सितंबर के दिन हिंदी को दर्जा दिया गया। तो क्या दिया गया, 1949 में राजभाषा का दर्जा दिया गया। अंग्रेजी हमारी क्या है, तो अंग्रेजी देखिए हमारी मातृभाषा नहीं है, ये विदेशी भाषा है, तो ये क्या होगी, ये किस में आएगी, तो ये हमारी आएगी आपकी उपभाषा, राजभाषा में। जैसे हिंदी इंग्लिश में हमारे यहाँ पे काम होता है सरकारी ऑफिसेस में, गवर्नमेंट ऑफिसेस में, तो उसे हम कहते हैं राजभाषा, और इंग्लिश भी यूज़ होती है तो उसके सहायक में यूज़ होगी, तो उसे हम कहेंगे सह राजभाषा। क्वेश्चन नंबर एट, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, यानी कि कौन सा आर्टिकल ये बताता है कि हिंदी जो है हमारे देश की राजभाषा है, तो वो है आपका आर्टिकल 343(1)। क्वेश्चन नंबर नाइन, मुख से निकलने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए प्रत्येक ध्वनि का चिन्ह को निश्चित किया गया है, जिसे कहते हैं। तो देखिए ध्वनियों के चिन्हों को हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं लिपि। तो इसका आंसर हो जाएगा घ। क्वेश्चन नंबर टेन, निम्नलिखित से कौन सा युग्म उचित है, तो इसमें से उचित क्या है। देखिए सार्थक ध्वनियों के समूह को सांकेतिक भाषा कहते हैं, नहीं, तो सार्थक ध्वनियों के समूह को हम कहते हैं शब्द, क्या कहते हैं, शब्द। पूरे देश की भाषा को मातृभाषा कहते हैं, नहीं, क्या कहते हैं, राजभाषा, राजभाषा। शासन तंत्र की भाषा को खड़ी बोली कहते हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं कहते हम, और क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। क्षेत्र का मतलब क्या है, किसी एक स्पेसिफिक एरिया में जो बातें बोली जाती हैं, जिस तरीके की भाषा बोली जाती है उसे हम बोली कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा घ। क्वेश्चन नंबर 11, लिपि के अनुसार उचित भाषा का विकल्प चुनिए। तो देखिए यहाँ पे गुरुमुखी है, गुरुमुखी हिंदी पंजाबी संस्कृत, ये गलत है। पंजाबी की क्या होती है, हिंदी और संस्कृत की जो लिपि है वो आपकी गुरुमुखी नहीं होती। देवनागरी में क्या है, यही सही है, हिंदी संस्कृत और नेपाली। तो हिंदी संस्कृत और नेपाली क्या है, हिंदी संस्कृत नेपाली की लिपि क्या है, आपकी देवनागरी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 12 नंबर, निम्न में से कौन सा विकल्प उचित नहीं है। तो इसमें से उचित नहीं, मौखिक भाषा को भाषण कहते हैं, ठीक है, लिखित भाषा पुस्तकें में होती है, ये भी ठीक है। सांकेतिक भाषा, सिपाही द्वारा यातायात पर नियंत्रण, ये भी ठीक है, क्योंकि जो पुलिस वाले होते हैं, ट्रैफिक पुलिस, वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लिखित भाषा रेडियो पर समझ, देखिए रेडियो पर जब समाचार आता है तो उस पर आपको क्या होता है, मौखिक भाषा होती है, बोला जाता है उस पर, ना कि लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा मौखिक, तो ये हो जाएगा आपका गलत,
ऑप्शन नंबर था, तो क्वेश्चन में ये पूछा था क्या सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, भाषा के ज्ञान के भंडार को कहा जाता है जिसमें दो रूप हैं, तो ये होगा साहित्य। साहित्य में दो चीज़ें होती हैं, गद्य और पद्य। तो इसका आंसर बनेगा खा। क्वेश्चन नंबर 14, भाषाविदों के अनुसार भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई, तो भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, संस्कृत की भाषा धातु से हुई है, तो इसका आंसर बनेगा गा। 15 नंबर, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाने वाले ग्रंथ को क्या कहते हैं, तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाने वाले ग्रंथ को हम कहते हैं व्याकरण। क्या कहते हैं? व्याकरण। 16 नंबर, भाषा के विषय में कौन सा तथ्य अनुचित है, तो अनुचित यहाँ पे क्या है, यह केवल पुस्तकों में दृष्टिगोचर नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ पुस्तकों से ही भाषा का प्रयोग नहीं होता, हर जगह पे होता है। और देखिए मौखिक लिखा है या मानव के मुख से उच्चारित होती है, मतलब कि हम अपने मुख से बोलते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है, भाषा को। और इसके बाद क्या है, इनमें सार्थक ध्वनियाँ होती हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इसमें वाक्य संरचना की अपनी व्यवस्था होती है, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं और बोलियां हैं, तो ये हैं आपकी 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं, और कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इतनी हैं। 18 नंबर, देवनागरी लिपि की विशेषताओं से निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है, ये दाएँ से बाएँ लिखा जाता है, ये गलत है, बाएँ से दाएँ लिखा जाता है। देखिए आप अपनी कॉपी में लिखना शुरू करते हैं तो आप लेफ्ट से राइट की तरफ लिखना शुरू करते हैं। हर वर्ण का आकार समान होता है, ये भी गलत है, मतलब कि जो भी अक्षर हैं क्या वो सभी सेम होते हैं, नहीं, उनका साइज सेम होता है, नहीं, ये उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर का कि जैसे ही आप बोलते हैं वैसे ही इन्हें लिखा जाता है, इसके कुछ वर्ण शब्दों के बीच सुप्त होते हैं, तो ये भी गलत है। भाषा में प्रयुक्त शब्दों के स्रोत, उत्पत्ति, भेद, रचना आदि पर डैश में विचार किया जाता है, तो देखिए जब स्रोत, उत्पत्ति, भेद, रचना आदि पर विचार किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, शब्द विचार कहते हैं, तो इसका आंसर बनेगा खा। 20 नंबर, भाषा और लिपियों के संदर्भ में पृथक शब्द युग्म का चुनाव करिए, तो देखिए यहाँ पर हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, नेपाली, मराठी, ये भी आपका है, लेकिन फ्रेंच और जर्मन ये आपका क्या है, गलत हैं, ठीक है। फ्रेंच जो है ये आपका किसमें आता है, रोमन में, लेकिन जर्मन जो है ये आपका इसमें नहीं आता, ठीक है, ये लैटिन भाषा में आता है जर्मन। तो यहाँ पे राजस्थानी और बिहारी ये सभी सेम है, लेकिन फ्रेंच और जर्मन की लिपि दोनों की डिफरेंट है। अब मेधावी खंड के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। जब बोली का प्रयोग साहित्यिक रचनाओं के लिए किया जाने लगता है तो वह बन जाती है, तो उसे वो क्या बन जाती है, उपभाषा बन जाती है। इसका आंसर है क्या, यानी कि जो बोली है, बोली में जब आपकी कहानियाँ कविताएँ लिखी जाती हैं तो वो क्या बन जाती है, वो उपभाषा बन जाती है, वो बोली। पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ हैं, तो पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ क्या क्या हैं, यानी कि इंडिया के वेस्ट साइड में बोली जाने वाली भाषा, तो कौन सी, बुंदेली और हरियाणवी, ठीक है। देखिए बुंदेली भाषा जो है ना, ये झांसी के आसपास में ग्वालियर में बोली जाती है, ठीक है, बुंदेलखंड का इलाका, और यहाँ पे जो आपका हरियाणवी है ये आपका हरियाणा में बोली जाती है। भोजपुरी और मगही आपका मेनली बिहार साइड में बोला जाता है, और गढ़वाली और हिमाचल आपका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बोला जाता है, और मारवाड़ी और मेवाती आपका कहाँ पर बोला जाता है, राजस्थान में बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, भाषा के व्याकरण समस्त शुद्ध परिनिष्ठित परिमार्जित अस्वीकृत रूप को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है इसे, तो इसे कहा जाता है मानक भाषा। क्या कहा जाता है, मानक भाषा। क्वेश्चन नंबर 24, भाषा और लिपियों के मिलान का उचित, तो देखिए नेपाली का किससे होगा, देवनागरी से, तो इसका हो जाएगा 2 नंबर। फ्रेंच का किससे होगा, मैंने अभी आपको बताया, रोमन से। पंजाबी की है गुरुमुखी, 4 नंबर। और उर्दू की क्या है, फारसी, हो जाएगा 3 नंबर। तो क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर का 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर का, ये आपका सही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहे हैं, दिए गए कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करिए। संविधान में 15 भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो ये गलत है, 15 भाषाओं को मान्यता नहीं दी गई है। कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। पहला तो गलत हो गया, तो देखिए आ वाला ऑप्शन नहीं, ऐसे ही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, इन दोनों में से ऑप्शन होगा नहीं। बोली का सबसे छोटा रूप क्या है, तो बोली भाषा का सबसे छोटा रूप है, ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि भाषा का सबसे छोटा रूप क्या है, अक्षर या वर्ण, अक्षर या वर्ण। उसके बाद है आपका 7 नंबर, मराठी हिंदी और नेपाली की लिपि देवनागरी है, तो ये हो जाएगा सही। तो सिर्फ और सिर्फ क्या सही है, सा वाला ऑप्शन सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, केवल सा सही है। अब यहाँ पे देखिए व्याकरण के 5 अंग होते हैं, तो व्याकरण के 5 अंग नहीं होते हैं। व्याकरण के कितने अंग होते हैं, व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला क्या है, शब्द विचार, वर्ण विचार, और उसके बाद क्या है, वाक्य विचार। तो दोस्त यहाँ पे वीडियो खत्म होता है, वीडियो को कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और यह है मेरा QR कोड, अगर आप कुछ पे करना चाहते हैं, मेरी हेल्प करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जो भी पैसे सेंड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा करें, आपका जो मन करता है वो आप अपना भी कर सकते हैं, आप 1 रुपये भी कर सकते हैं, ठीक है। और फाइनली मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।